हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलू की सावजी रसोई। आज हम एक इंस्टेंट नाश्ता तैयार करने वाले हैं, जो कि बहुत टेस्टी रहेगा और बहुत जल्दी बन जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक बाउल चावल का आटा। आटा मैं डाल रही हूँ अभी मिक्सिंग बाउल में, तो इसे अभी हमें भिगोना है। तो उसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। यहाँ पे मैंने पहले एक बाउल पानी डाल दिया, अभी और आधा बाउल पानी मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे अभी मैं मिक्स कर देती हूँ। हमें इसका एक पतला ऐसे बैटर तैयार करना है, इसलिए मैंने एक बाउल चावल के आटे में डेढ़ बाउल पानी डाला हुआ है। तो इसे पहले मिक्स करके देख लेते हैं। ये देखिए, फिर भी बहुत गाढ़ा है, तो इसमें और आधा बाउल पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि हमें ये थोड़ा सा पतला ही चाहिए। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और ऐसे एक पतला सा बैटर हम तैयार कर लेंगे। ये देखो, यहाँ पे एक बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अभी हम इसमें मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पे डाल रही हूँ आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच अजवाइन जो मैं हाथ से क्रश करके इसमें डाल दूंगी, एक बारीक कटा हुआ प्याज, ये थोड़ी सी पत्ता गोभी है वो भी मैंने बारीक काट के रख दी थी, वो भी इसमें मैंने डाल दिया है, एक बारीक कटा हुआ टमाटर और ये बारीक ग्रेट किया हुआ गाजर, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया। अभी ये सारे इंग्रेडिएंट को मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें नमक नहीं डाला हुआ है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्वादानुसार नमक और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये हमारा बैटर अभी एकदम परफेक्ट ऐसे तैयार हो चुका है, एकदम पतला ही मैंने बनाया हुआ है, एकदम परफेक्ट बैटर तैयार हो चुका है। अभी मैंने गैस पर ये कढ़ाई रख दी है और उसमें डाल रही हूँ एक चम्मच तेल, और अभी हम तेल में डालेंगे एक चम्मच जीरा और एक चम्मच तिल। इसे अभी मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसमें अब मैं डाल रही हूँ चार पांच करी लीव्स जो एकदम बारीक बारीक काट के मैंने रख दिए थे, और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हींग। इसको अभी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखो, ये पूरा मैंने मिक्स कर दिया है। अभी जो बैटर हमने तैयार करके रखा हुआ था वो बैटर पूरा इसमें मैं डाल देती हूँ, और अभी गैस को हाई फ्लेम पे रख कर मैं इसे चम्मच चलाते हुए पकाऊंगी। इसे हमें कंटिन्यूअसली चम्मच चलाते हुए ही पकाना है, अगर हमने चम्मच नहीं चलाया तो ये घुटलियाँ पड़ सकती है इसमें, इसलिए इसको ऐसे ही चम्मच चलाते हुए ही हम पकाएंगे, और जब तक कि एक डो के फॉर्म में नहीं आता तब तक के हम इसे ऐसे ही चम्मच चलाते हुए पकाते रहेंगे। ये देखो, यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लग गया है, तो ऐसे ही ये एक डो के फॉर्म में आ जाएगा। ये देखो, यहाँ पे एकदम सॉलिड स्ट्रक्चर में आ चुका है। इसे हम थोड़ा सा और चम्मच चलाते हुए पकाएंगे तो एक डो के फॉर्म में आ जाएगा। ये देखो, यहाँ पे ये पूरा एकदम डो के फॉर्म में आ चुका है। अभी हमें इसे और 2 मिनट ढककर पकाना है, तो हम एकदम धीमी आंच पे इसे 2 मिनट पकाएंगे ढककर, तो इसका वो चावल का आटा भी पक जाएगा और सब्जियाँ भी पक जाएगी। 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखो एकदम परफेक्ट ऐसे हमारा डो तैयार हो चुका है। अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक बाउल पोहा।
ये जाड़ा पोहा मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये पोहे को मैं डाल देती हूँ अभी मिक्सिंग जार में और इसे दरदरा ऐसे पीस लेती हूँ। ये देखो ये मैंने पीस के ला लिया और एकदम परफेक्ट ऐसे पाउडर तैयार हो चुका है। ये मैं निकाल लेती हूँ एक बाउल में। ये पकाया हुआ बैटर भी हमारा अभी ठंडा हो चुका है, अभी हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ये बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए मैं पहले इसे चम्मच से थोड़ा सा स्प्रेड कर लेती हूँ प्लेट में, तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। चम्मच का पूरा निकाल लेंगे इसमें से और इसे 3-4 मिनट ठंडा होने देते हैं ताकि हम इसे हाथ लगा सकें। यहाँ पे मैंने हाथ में थोड़ा सा तेल ले लिया है और अभी ये डो को हमें एक सॉफ्ट डो के इसमें तैयार करना है, तो ऐसे ही इसको हम थोड़ा थोड़ा मसलते जाएंगे तो ये एकदम सॉफ्ट ऐसे डो तैयार हो जाएगा। और इसे एकदम ठंडा नहीं होने देना है, थोड़ा सा गर्म ही हमें यूज़ करना है तभी ये अच्छे से बनेगा। ये देखो यहाँ पे एकदम परफेक्ट ऐसे हमारा डो तैयार हो चुका है। अभी मैं हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ और यहाँ से एक थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसको मैं हाथ से ऐसे गोल कर कर इसके एक पैटीज के आकार में मैं तैयार कर लेती हूँ। ये देखो इसके बॉर्डर को भी हम ऐसे प्रेस कर लेंगे तो ये एकदम परफेक्ट ऐसे पैटीज के जैसे तैयार हो जाएंगे। वैसे ही मैं बाकी के जो बचे हुए हैं सारे इसको ऐसे ही गोल गोल करके एक पैटीज के आकार में तैयार करके रख दूंगी। आप इसे जो चाहे आकार में तैयार कर सकते हो। ये देखो ये पूरे मैंने तैयार करके रख दिए हैं, बहुत ही मस्त दिख रहे हैं और एकदम परफेक्ट और एकदम सॉफ्ट ऐसे बने हुए हैं और बहुत जल्दी बन भी जाते हैं। इसे बनाने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ताकत भी नहीं लगती। अभी हमें इसे पकाना है तो उसके लिए हमने जो पोहे बारीक करके रखे थे इसमें हम इसको डिप करेंगे, मतलब इसको हम ये पोहे के पाउडर से कवर कर लेंगे। ऐसे ही हम इसे कवर कर लेंगे और इसे हम कढ़ाई में तलने के लिए डाल देंगे। इसे हम डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ये मैंने एक डाल दिया, वैसे ही वे बाकी के भी वो पाउडर में कवर कर कर इसमें डाल देती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी बनता है ये पोहे का जो पाउडर है हमने ऊपर से लगाया हुआ, इसे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। ऐसे ही हम इसमें डाल देते हैं। ये देखो ये 4 मैंने इसमें डाल दिए हैं, अभी इसे हम पकने देते हैं। जब ये नीचे से थोड़ा सा पक जाए तो हम इसे धीरे से ऐसे चम्मच से पलटा देंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी बन जाए। वैसे तो ये चावल का आटा और सब्जी सारी पकी हुई है, हमें सिर्फ इसे क्रिस्पीनेस के लिए तलना है। ये देखो कितना मस्त कलर आया हुआ है, बहुत ही मस्त दिख रहे हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। चलो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। आप ये नाश्ते को ऐसे तैयार करके रख सकते हो और आपको जब भी तलकर खाना हो वो तलकर खा सकते हो। उसे तैयार करके हम पैक डिब्बे में फ्रिज में 3-4 दिन तक रख सकते हैं। ऐसे ही मैं बाकी के भी नाश्ता तल लेती हूँ। तो ये बन गया हमारा नाश्ता, एकदम क्रिस्पी टेस्टी। बरसात के दिनों में ये गर्मा गर्म नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है। देखो कितना मस्त दिख रहा है। या फिर कोई मेहमान आ जाए तो कुछ नया खिलाना हो तो उसके लिए भी ये नाश्ता बहुत ही अच्छा है। कोई बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है ऊपर से और अंदर से भी एकदम सॉफ्ट बना हुआ है। देखो कितना मस्त दिख रहा है, एकदम मस्त पका हुआ है और टेस्टी भी बहुत ही है। तो आप भी इस तरीके का नाश्ता एक बार ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।